तो मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूँ। यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है। स्किप ना करें, थोड़ा समय दें। वह आगे शनि के द्वारा जीवन में घटित होने वाली घटनाओं भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सचेत हो जाए ताकि गलत परिणामों से बचा जा सके। देखिए, जानना इसलिए जरूरी है, कभी कभी हम वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार निर्णय ले लेते हैं और आगे का पता नहीं होता, तो उस समय में लिया गया पुराना निर्णय आगे चलकर मान प्रतिष्ठा पद पर भारी पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कई व्यापारी लोग आज की वर्तमान स्थिति को देखकर बड़ा लोन ले लेते हैं कि धीरे धीरे तार देंगे, परंतु उन्हें यह जानकारी आवश्यक होती है कि कुछ माहों में ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है, क्योंकि कभी कभी यह जीवन की बड़ी गलती साबित हो जाती है जब हमें आगे के समय के बारे में जानकारी नहीं होती। वर्तमान समय में शनि अपनी राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और मार्च 2025 तक कुंभ में गोचर करेंगे। जिन जातकों की चंद्र राशि कर्क है उन पर शनि की अष्टम की ढैया आरंभ हो जाएगी। जब शनि चंद्र राशि से चौथे व अष्टम स्थान में आता है तो शनि की ढैया का निर्माण होता है। इसकी अवधि पूरे 2.5 वर्ष होती है। इसका फल भी शनि की 7.5 की तरह होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं व 10वीं। यानी शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से 3रे, 7वे व 10वे भाव को देखते हैं। जब शनि का गोचर 8वें भाव में आएगा तो उसकी 3री दृष्टि दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि धन भाव पर व 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। गुरु पारसर जी के अनुसार अष्टम की ढैया चतुर्थ की ढैया से ज्यादा कष्टकारी होती है। यदि किसी कारण से आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं पता तो मैंने इस विषय पर वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि जान सकते हैं। अब बात आती है कि शनि का गोचर किन्हें ज्यादा प्रभावित करेगा। जिनकी चंद्र राशि कर्क है या लग्न राशि, तो देखिए जीवन में घटने वाली घटनाएं ग्रहों के गोचर पर निर्भर करती है। ग्रहों का गोचर का विचार लग्न से किया जाए या चंद्र राशि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवाह, मंगल कार्य, यात्रा व वर्तमान समय में घटने वाली घटनाएं ग्रहों के गोचर पर निर्भर करती हैं, तो गोचर विचार में चंद्र राशि को प्रधानता दी गई है, ना कि नाम राशि या लग्न राशि को। मैं जो भी कह रहा हूं वो मेरा अपना मन नहीं है, मेरा अनुभव है और मेरे अनुभव भी ज्योतिषीय गणनाओं से ही बने हैं। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ फलदीपिका में भी चंद्र राशि से गोचर पर विचार करने का निर्देश है। तो जिनकी चंद्र राशि कर्क है उन पर शनि का कुंभ में गोचर अष्टम की ढैया का निर्माण करेगा। शनि की अष्टम की ढैया जातक को निम्न परिस्थितियों का सामना कराती है। ऐसे में धन की हानि होती है, कार्य सफल नहीं होते, अपमान का सामना करना पड़ता है। जातक पर ऐसे झूठे आरोप लगते हैं जिसमें उसकी भागीदारी नहीं होती। पद से हटने, पद को खोने की संभावना बनी रहती है। पुत्र से, संतान से वियोग मिलता है। जातक का जीवन साथी बीमार रहता है। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के कारण परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यदि हम वर या वधु को ढूंढ रहे हैं तो रिश्ता कहीं बनकर नहीं देता। विनाशकाल विपरीत बुद्धि जैसी स्थिति बन जाती है। जातक वैरी को मित्र व मित्र को वैरी समझने लगता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाता है जातक।
शारीरिक कष्ट बनता है। यदि आपने ऋण लिया है तो उसे उतारना कठिन पड़ सकता है, सरकारी तंत्र से भय बनता है। परंतु इतना डरे ना, आपकी अष्टम की ढैया कैसी जाएगी आप स्वयं देख सकते हैं। सबके लिए इसका प्रभाव एक जैसा नहीं हो सकता, बहुत हद तक आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर भी निर्भर करता है, साथ ही जातक के कर्म पर भी। तो कैसे जाने आप अपनी कुंडली से, आप अपनी कुंडली में प्रस्तक अष्टक वर्ग में शनि को कुंभ राशि में कितने बिंदु प्राप्त हैं से जान सकते हैं। यदि 4 से कम बिंदु हैं तो निश्चित तौर पर आप सतर्क हो जाएं, निश्चित इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और 4 या 4 से अधिक बिंदु प्राप्त है तो कोई डरने की बात नहीं है। बात आती है कि पंडित जी ऐसा क्या उपाय करें कि इन सब गलत प्रभावों से बचा जा सके। तो जब आप पर शनि की अष्टम की ढैया आरंभ हो और आप ऐसे प्रभाव महसूस करें अपने जीवन में, तो आप क्या उपाय करें उसे आज समझिए। हर माह कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत रखें, शिव रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करें। यदि धन की हानि हो रही है, आप अपने पद को खो बैठे। यदि शारीरिक कष्ट, कोर्ट कचहरी, सरकारी उपक्रम से परेशानी बन रही है, तो सरसों के तेल व काले तिल से रुद्राभिषेक करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना संपर्क सूत्र दिया है। एक मामूली सा शुल्क अदा करके आप घर बैठे यह सुविधा पा सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो लाइक करिए, यदि पसंद आई है शेयर करिए, और यदि आप किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट अवश्य करिए, मैं उस विषय पर आपको वीडियो दूंगा। अब इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद, जय श्री राम।